Hello guys, welcome to guys doctor channel. Welcome back to another latest video. तो MRT का जो 3.05 लेटेस्ट सेटअप अपडेट रिलीज हो गया है और हर बार की तरह इसमें अभी तक वो बग फिक्स नहीं किया गया है, तो आप लोग इसको फ्री में यूज़ कर पाओगे। तो कैसे करना है फ्री में यूज़, आप वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ तो क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स एंड फंक्शन इसमें ऐड हुआ है, कौन सी डिवाइस इसमें ऐड हुआ है और हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, पहले जान लो, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल्स में लिखती हूँ MRT डोंगल क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी लेटेस्ट सेटअप अपडेट आया है, क्या फंक्शन है, क्या फीचर्स है। तो फिलहाल इस अपडेट में कोई भी लेटेस्ट डिवाइस ऐड नहीं हुआ है और कोई भी फीचर्स भी इसमें ना ऐड नहीं हुआ है। सिर्फ दो बाग्स इसमें फिक्स हुए हैं। एक जो बाग है इसमें, जो HW टूल वाइट का जो टूल था, HW टूल उसका कुछ प्रॉब्लम था, वो फिक्स कर दिया गया है। अब आप आराम से HW टूल यूज़ कर पाओगे। और जो एक फंक्शन था इसमें, जो वीवो MRT 3.53 में जो बाग था वीवो का, ओप्पो का, वो भी इसमें फिक्स कर दिया गया है। बस इतना ही छोटा सा एक अपडेट इसमें आया है। तो अगर वालों क्योंकि 3.53 से तो बेटा 3.55 ही है, तो ठीक है, तो डाउनलोड करके यूज़ भी कर लो इसको। सिर्फ 500 MB का ही फाइल है। तो इसमें जो बाग था, जो बाईपास वाला बाग था, आप लोग बाईपास कर से करके यूज़ कर सकते हैं डंबल को। वो जो बाग था वो अभी भी इसमें है, वो फिक्स नहीं किया गया है। अब MRT इसको क्यों फिक्स नहीं किया, कब फिक्स करेगा ये तो पता नहीं, बट ये अभी तक है। अगर आप लोग इसको फ्री में अभी तक यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने के लिए वीडियो देखो, आपको मैं बता दूंगा प्रोसेस। ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करके बस आपको 3.55 का जो है फुल सेटअप आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं कोई भी डिवाइस इसमें टेस्ट नहीं किया बाईपास करके, तो आप रिक्स लेके टेस्ट करना। टेस्ट अगर सक्सेस हुआ तो प्लीज़ बोलना काम किया है कि नहीं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट जरूर देखूँगा। ठीक है, तो पहले आप सेटअप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ये जो X32 DB जो फाइल है इसको भी डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आप ये दो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, अब यहाँ कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, पहले रिलीज में जाके 32 को ओपन करना है, इसको रन कर लेना है। ठीक है, अब इसको जो करना है इसको एक्स्ट्रा कर लेना है आपके पीसी में। फिलहाल MRT का ऑफिशियल प्रोडक्ट में ही वायरस है, देखता है इसमें वायरस है कि नहीं, पहले एक्स्ट्रा करके देख लेता है। सारे के सारे फंक्शन में इसका वायरस रहता ही है, इसमें भी है कि नहीं देख लेते हैं। रन ही तो है, फोल्डर में जाना है, MRT 3.55 को चूज कर लेना है। ओके, इसको फिर से एक्स्ट्रा करना होगा शायद। हाँ, ओके, यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कर लेना। एक्स्ट्रा करने के बाद 3 GB का हो जाएगा, 3 GB का अराउंड फाइल हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे फोल्डर वाला आइकन को प्रेस कर देना है। इसको जो है यहाँ से इसको चूज कर लेना है। ठीक है, मेक श्योर आपके विंडोज जो है अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर भी आ सकता है इस टूल में। ठीक है, तो आपको आपके विंडोज मेक श्योर अपडेट है कि नहीं ये चेक कर लेना है। और 3.19 का ही मेथड आपको फॉलो करना है। अगर आप मेरा 3.19 का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके 3.19 या फिर 3.26 का जो वीडियो है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो ये तीर वाला आइकन दिख रहा है इसको रन करना है। यहाँ से दो बार क्लिक करना है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप प्रोग्राम को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद ये जो लाइन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे ही चूज़ करोगे आप यहाँ पे जो है ब्रेक पॉइंट लगा देना, बस आपके काम जो है बन जाएगा। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, मैं यहाँ पे ही दे रहा हूँ, इससे ही हो जाएगा। जैसे ही रन करोगे यहाँ से तो ये एक्सेस वायलेशन आएगा, ओके पेस्ट कर देना और जो टूल है और रन हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से आप इसको यूज कर सकते हो।
वीवो वी फिफ्टीन का जो प्रॉब्लम था इसमें वो भी फिक्स कर दिया गया है। अब इसको जो है वीवो वी फिफ्टीन को जो है काम कर सकते हो वीवो वी फिफ्टीन के साथ, ये अब हैंग नहीं करता, सिस्टम को भी हैंग नहीं करता। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। और इसमें जो खास बात, इसमें वायरस भी रिमूव कर दिया गया है, बट क्यों ये बात जो है फिक्स नहीं किया गया है ये तो पता नहीं। ठीक है, अच्छा ही है हम लोगों के लिए जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक ही है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ। चैनल पर बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।